हेलो गाइस, आज है ना जैन स्टाइल में हम बनाएंगे पनीर की सब्जी और बिना लहसुन कांदा के बिना ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए सबसे पहले तो जो घर पर बना हुआ घी होता है ना वो हम आधा चम्मच ले लेंगे और उसमें है ना बारीक कटा हुआ लंबा लंबा शिमला मिर्च, इसे थोड़ा सा नमक डालकर तेज आँच पर भूनते जाएंगे। जब तक ये भून रहा है दूसरी तरफ हम अदरक को अच्छे से बारीक एकदम छीनी से छीन लेंगे। तो चलिए देखिए, एक स्लाइस मैंने चीज़ लिया है, इसे लंबा लंबा हमें कट करके ले लेना है। तो जैसे ये कट हो गया ना उतने देर में तो मेरा शिमला मिर्च भी तेज आंच पर अच्छे से पक गया है। तो चलिए जैसे ही ये अच्छे से पक गया इसे हम एक डिश में खाली कर लेंगे और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल और इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा और खड़े मसाले जो भी आपको पसंद है। तो इसमें कभी भी है ना जो बड़ा इलायची है ना इसका मुंह जो है ना वो थोड़ा सा खोल दीजिए जिससे इसमें जो भी सुगंध है ना वो तेल में अच्छे से भीन जाए। थोड़ा सा डालेंगे हींग और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और ये आ गया अदरक बारीक कटा हुआ। तो बस इसे धीमी आँच पर अच्छे से भून लीजिए। अब बारी आती है टमाटर की, तो ये मैंने लिया है 6 से 7 लाल लाल टमाटर और टमाटर को गलने के लिए ना इसमें हम डालेंगे नमक, एक तो सादा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और दूसरा हम थोड़ा काला नमक डालेंगे, इससे क्या है ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया और लाजवाब आने वाला है। तो बस जैसे ही टमाटर आधा पक गया बीच में थोड़ा जगह करके इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। तो बस इसे है ना आपको थोड़ा सा तेज आंच पर और थोड़ा सा धीमी आंच पर पकाते जाते रहना है। तो जैसे ये पक जाए ना दूसरी तरफ मैंने 2 घंटे पहले काजू और मगज को भिगा कर रखा था, कम से कम 10 से 12 काजू है और 20 से 30 ग्राम मगज। बस जैसे ही अच्छे से फूल गया ना मैंने इसे बारीक पीस लिया है उसी पानी के साथ जिस पानी में मैंने इसे भिगाया था। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करिए और इसे ढककर रख दीजिए। जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे ना इसका रंग बदल चुका होगा और ये आ गया पनीर जो कि 200 ग्राम है, इसे मैंने लंबा लंबा स्लाइस में काट दिया। और हाँ, पनीर डालने के बाद ना आपको हल्के हाथों से ही भूनना है। तो जैसे ही पनीर को डाला इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच पंजाबी दही डाला है और जैसे ही दही पक रहा है ना दूसरी तरफ हम गैस पर रख देंगे कोयला, इसे आज हम अंगारा भी करने वाले हैं। तो बस जैसे ही ये दही मिक्स हो जाए ना इसमें हमने जो पहले से भून कर रखा था शिमला मिर्च इसे डाल देंगे और जो धनिया का डंठल होता है ना उसे भी मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब ये पक चुका है थोड़ा थोड़ा, अब इसमें डालते हैं जो हमने चीज़ को स्लाइस किया था लंबा लंबा। तो जैसे ही हम चीज़ डालेंगे ना इसके तुरंत बाद हमें अंगारा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जो एक रोटी थी ना आज मैं छोटा रोटी बनाना भूल गई इसलिए मैंने बड़ी रोटी को ही ना फोल्ड करके रख दिया है और इसमें धीरे धीरे मेरा कोयला बहुत छोटे छोटे साइज़ का है, बड़ा वाला कोयला ख़त्म हो गया तो छोटे छोटे स्लाइस का इसलिए मैंने 5 से 6 लिया है और इसमें घर का बना हुआ शुद्ध घी है ना इससे तो टेस्ट क्या बताऊँ मैं। तो बस इसे दम देंगे और 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे और हाँ जब हम अंगारा करेंगे ना तब गैस बंद रहना चाहिए, गैस चालू नहीं रहना चाहिए। बस ये अंगारा हो चुका है, इस रोटी को जब आप टेस्ट करेंगे ना तो क्या बताऊँ बहुत ही टेस्टी लगता है। बस अब ये हमारा तैयार हो चुका है जैन स्टाइल पनीर की सब्जी। तो स्लाइस कटा हुआ मोरी मिर्ची हरी वाली और धनिया से सर्व करिए। और हाँ, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।